अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है आप सब के? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। ईद कैसी गुजर रही है आप सबकी? मेरी तो अभी शुरू हुई है और मैंने ये अपना कल वाला ड्रेस पहन लिया है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब जो है मैं थोड़ा गोश्त जो है वो आया है तो उसको वो भूनूंगी अबू के लिए लंच के लिए, तो मैं गोश्त भी दिखाती हूँ। गोश्त जो है पहला आ चुका है, अब इसके बाद इसको मैं आधा कर लूँगी। थोड़ा सा बनाऊँगी, मैं हमारी छोटी सी फैमिली है तो बस इसलिए एक टाइम के हिसाब से मैं बनाऊँगी। ये थोड़ा सा मैं गोश्त बना रही हूँ भूखे लिए और भून रही हूँ। इसमें मैं कुकर में बनाऊँगी, कुकर में आसानी से बन जाता है, जल्दी गल जाता है। इसमें मैंने टमाटर, लहसुन अदरक और प्याज पिसी हुई और लाल मिर्च, हल्दी, नमक की सब चीज़ें डालकर मैं इसको कुकर में रख दूँगी बंद करके। और ये हमारे घर आया है, हमारे नीचे वाले जो रेंट पर हमारे घर में रहते हैं उनके घर से गोश्त, और मुझे बहुत क्यूट लगी इनकी शॉप पर। और ये मेरा भुना हुआ गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। लंच में शक्ल देखें आप, माशाल्लाह कितना यम्मी लग रहा है और बहुत मज़े का बना था। जायकेदार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद तो हो गई है शाम और मैंने सोचा चलो कल के लिए ना मैं खीर बना लेती हूँ, क्योंकि कल हमारे घर कुर्बानी होगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं खीर बना ले के रख देती हूँ, ठंडी हो जाएगी, कल दोपहर में लंच बनाऊँगी तो फिर उसके बाद मिठाई खोना चाहिए ना, कलेजी और बिरयानी और खीर, कुछ नया कर देते ना। वैसे तो शीर खोना बनता, लेकिन मैंने कहा मैं खीर बनाऊँगी। तो अभी मेरी तैयारी है, मैंने दूध बॉयल होने रख दिया है और यहाँ चावल जो हैं ये मैंने बिना भिगोए पीस लिए हैं, तो मैं बिना भिगोए बनाती हूँ। फिर मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बनी है। अभी तो फ़िलहाल इसको बॉईल करूँ दूध को, तकरीबन कोई 30 मिनट तक, 30 मिनट बॉईल करने के बाद फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। ये बन रही है खीर और दूसरी तरफ है चपली। चपली कबाब बना भी रही थी और मेरी बहन आने वाली थी, यहाँ चपली कबाब बन रहे हैं। ये मेरी खीर बिल्कुल रेडी है, अब बस मैं इसमें पिस्ते बादाम ये सब चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं ये मैं वो इसमें डाल रही हूँ ऊपर से, और फिर इसके बाद को थोड़ा ठंडा करूँगी, फिर फ्रिज में रख दूँगी और बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी ना, ठंडी मज़ेदार। तो फिर हम इसको कल दोपहर में खाएँगे, क्योंकि बहुत थक जाते हैं कुर्बानी के बाद, हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी, तो कुछ अच्छा लंच हो मज़ेदार सा। तो मेरी और मेरी बहन की ड्यूटी यही होगी कि हम दोनों बनाएँगे लंच, वो बनाएगी बिरयानी और मैं बनाऊँगी कलेजी। ये मेरी खीर तैयार हो चुकी है, देख लो कितनी यमी लग रही है ना देखने में, इंशाल्लाह होगी भी बहुत यमी। सब घर वाले खाएंगे तो बताएंगे कैसी है। बस अब मैंने डिश में निकाल दी है, अब इसको ठंडी करने रखूँगी तकरीबन, ये जब इसका ना गर्मपन ख़त्म हो जाएगा फिर मैं इसको फ्रिज में रखकर कल दोपहर लंच में मीठा खाएँगे इंशाल्लाह। चलो इसमें थोड़ा साइड से करके तेल में डालेंगे, तो क्या है ना रस्ते वाले तेल बस ठीक है। माशाल्लाह इतनी प्यारी हवा चल रही है, रात हो गई अब तो और बादल भी हो रहे हैं, सारा दिन तो ऐसे बिजी गुजर गया। अब जो है वो बस थक कर सोएंगे, सुबह इंशाल्लाह कुर्बानी है तो जल्दी उठेंगे, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में इंशाल्लाह। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।